एक तिलिस्मी दुनिया की खोज, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने का प्रयास और इन वीरान आकाशगंगाओं में जीवन की तलाश, ये किसी अपकमिंग साइंस फिक्शन मूवी का प्लॉट नहीं है, बल्कि नासा के महत्वाकांक्षी और सबसे महंगे मिशन के उद्देश्य हैं, जिसे हमारा ये योद्धा हासिल करने के लिए अपनी युद्ध स्थली यानी L2 लैग्रांज पॉइंट पर पहुंच चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। 25 दिसंबर की रोज इस योद्धा ने फ्रेंच गुयाना स्पेसपोर्ट से यूरोपियन एरियन 5 रॉकेट के द्वारा उड़ान भरी और अब ये जा पहुंचा है अपनी मंजिल पर। तो अब आगे क्या होने वाला है? क्या JWST ने अपना काम शुरू कर दिया है? और आखिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से आने वाली पहली तस्वीर कैसी होगी? इन्हीं सब सवालों और रहस्यों की तलाश करेंगे आज के इस एपिसोड में। 21वीं सदी की शुरुआत हुए 21 साल बीत चुके हैं। आज हम इंसानों की समझ पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा विकसित है। हमारे पूर्वजों की ही तरह नई नई चीजों को जानना और समझना आज भी जारी है। गहरे समंदर से लेकर अनंत ब्रह्मांड तक हम इंसानों ने अपने विकास से पैर पसार लिए हैं। आज से तकरीबन 20 साल पहले, जब 20वीं सदी अपने अंत के मुहाने पर थी और 21वीं सदी दहलीज पर अपने आगाज का इंतजार कर रही थी, वो दौर नासा के लिए एक अजीब दौर था। कोल्ड वॉर के अंत के बाद ढीले पड़ चुके ऑपरेशंस और उस दौरान के महत्वाकांक्षी मिशन हबल स्पेस टेलीस्कोप में आई जायरोस्कोप की खराबी ने नासा की खूब किरकिरी कराई थी। और हो भी क्यों ना, ये उस दौर का सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स स्पेस टेलीस्कोप था, बिल्कुल आज के वक्त के JWST जैसा। तब नासा एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया कि अंतरिक्ष में ही इस टेलीस्कोप को रिपेयर किया जाएगा, जिसके चलते सन 1993 से लेकर सन 2009 के बीच 5 अलग अलग सर्विसिंग फ्लाइट्स लॉन्च की गई और इन सभी उड़ानों के जरिए इंजीनियर्स और एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस शटल के माध्यम से हबल स्पेस टेलीस्कोप तक भेजा गया, जहां उन्होंने जायरोस्कोप्स को सुधारा और साथ ही टेलीस्कोप में और भी कई छोटे बड़े रिपेयर वर्क्स किए। और तब कहीं जाकर अपने लॉन्च के करीब 20 सालों बाद ये पूरी तरह से सही हो पाया और तब से लेकर आज तक हमारा ये टेलीस्कोप सुदूर ब्रह्मांड के ढेरों राजों को उजागर कर चुका है। इन 10 सालों में हमने इससे अनगिनत तस्वीरें ली और अपनी नजदीकी अथवा बेहद दूर मौजूद गैलेक्सीज, स्टार्स और इवन प्लैनेट्स का भी बड़ी ही गहराई से अध्ययन किया। वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि इस टेलीस्कोप ने केवल 10 सालों के भीतर 50 या 100 साल तक की एस्ट्रोनॉमिकल अचीवमेंट्स दी हैं और ये लगातार अपने शटर्स को खोले अब भी इस अनसुलझे ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाने में जुटा है। अब बात करें अगर हमारे मॉडर्न डे योद्धा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, तो ठीक इस पर भी ऐसे ही खौफ के बादल मंडरा रहे हैं। वैज्ञानिक इसे लेकर जितने एक्साइटेड हैं, उससे कहीं ज्यादा नर्वस भी हैं कि कहीं इस टेलीस्कोप में कोई खामी ना निकल आए। और अगर ऐसा होता भी है तो नासा के पास अपने इंजीनियर्स को अंतरिक्ष में भेजकर इसे रिपेयर कराने का भी कोई विकल्प नहीं है। ये डर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस तरह की स्पेस ऑब्जर्वेशंस काफी कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव होती हैं। जरा सी भी गड़बड़ हुई नहीं कि अरबों रुपए की लागत का मिशन खात्मा होने की ओर बढ़ने लगता है और फिर अपने इंजीनियर्स को स्पेस में भेजकर इस तरह की सर्विसेज परफॉर्म करना बेहद खर्चीला और जोखिम भरा साबित होता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के केस में ये विडंबना और भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इसके ये बेहद नाजुक मिरर्स मुसीबत का सबब बन सकते हैं। इन मिरर्स को बनाया गया है बेरिलियम से बने बेहद लाइट मटेरियल से, जिसका आज से पहले तक नासा को कोई खास एक्सपीरियंस भी नहीं है। और तो और, इस टेलीस्कोप का विशालकाय साइज भी इस सूरत में काफी परेशानी भरा साबित हो सकता है। JWST को अच्छी तरह से काम करने के लिए ये बेहद जरूरी है कि इसमें लगे मिरर्स अपने फुल पोटेंशियल से काम करें, खरबों लाइट ईयर्स दूर से आ रही रोशनी को वो बिल्कुल सटीक ढंग से कैप्चर करें और फिर ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी उसे उसी ढंग से प्रोसेस करें जैसा कि वैज्ञानिक अपेक्षा कर रहे हैं। और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो बेशक हम बिग बैंग के काफी नजदीक पहुंच जाएंगे, जैसा कि हमने अपने JWST सीरीज की फॉलोअप वीडियोस में आपको बताया था कि नासा की ये युक्ति इसीलिए भी आज तक के सभी स्पेस टेलीस्कोप से बेहतर है क्योंकि इसमें इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करने की अपार क्षमता है। दरअसल इसका प्रेडिसेसर यानी हबल स्पेस टेलीस्कोप केवल विजिबल लाइट को लेकर ही सेंसिटिव था, मगर ये काम करता है इंफ्रारेड लाइट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी पर, जिससे इसकी रीच कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और ये वहाँ भी देख पाएगा जहाँ तक आज से पहले हबल या किसी दूसरी ऑब्जर्वेटरी ने नहीं देखा होगा। और सुदूर अंतरिक्ष से आ रही इन इंफ्रारेड लाइट्स को कैप्चर करने की बदौलत हमारा अंतरिक्ष को देखने का नजरिया
और भी ज्यादा विस्तार लेगा। हम कई लाइट ईयर्स दूर मौजूद उन सितारों को भी प्रकाश में ला सकते हैं जो आज तक हमारी निगाहों से छिपे हुए थे। इसे समझने के लिए आप ये तस्वीर देखिए। ये है हबल डीप फील्ड, यानी कि हबल दूरबीन द्वारा खोजा गया अंतरिक्ष का अब तक का सबसे विस्तृत इलाका, जिसमें दिख रहे ये टीनी डॉट्स भी कम से कम नहीं तो 10,000 लाइट ईयर्स में फैली गैलेक्सीज हैं। इन्हीं कहकशाओं और आकाशगंगाओं के चित्रण के लिए हबल ने कई सौ घंटों तक अपना शटर खुला रखा था और फुल फोकस के साथ इनकी तस्वीरें बनाई थीं। जब वो तस्वीरें नीचे धरती पर पहुंची तो वैज्ञानिक हैरान रह गए ये देखकर कि हम उन इलाकों को आज से पहले तक जानते ही नहीं थे जिन्हें हबल ने इस पैनोरामिक तस्वीर में बयां कर दिया। मगर यहाँ वैज्ञानिकों का एक खेमा ऐसा भी था जो ये मानता था कि डीप फील्ड के बहुत से हिस्से अब भी अनएक्सप्लोर्ड रह गए हैं। उनकी जगह पर बड़े काले हिस्से अभी खाली छूटे हुए हैं जिनमें लाजमी तौर पर कुछ बड़ी गैलेक्सीज और स्टार्स का अस्तित्व हो सकता है, जो कि हबल की इंफ्रारेड लाइट को ना देख पाने के कारण तस्वीर में नहीं आ पाए। और सुदूर ब्रह्मांड के उन्हीं काले अंधेरे कोनों तक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपनी दृष्टि को लेकर जाएगा, जिसकी बदौलत हम इस डीप फील्ड को कई और गुना ज्यादा अधिक डेंस पाएंगे। वैज्ञानिकों को इस बात पर भी पूरा यकीन है कि इन खाली पड़े इलाकों में बेहद बड़े तारे होंगे जो केवल और केवल हाई वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड लाइट ही एमिट करते होंगे, जिसे देखने में हबल की आंखें असमर्थ हैं। अगर उनका अध्ययन हबल से ही करना पड़े तो उन्हें और भी ज्यादा डिटेल में जाकर स्टडी करना होगा, उन स्टार्स और गैलेक्सीज के फिजिक्स का बड़ी ही बारीकी से अध्ययन करना होगा, जो कि अभी के लिए नामुमकिन है, मगर जल्द ही मुमकिन हो जाएगा हमारे इस योद्धा के पावर में आते ही। JWST का सबसे अहम मिशन ऑब्जेक्टिव है बिग बैंग के नजदीक जाना। आज से 13.8 बिलियन साल पहले एक विस्फोट के साथ इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी और इस विस्फोट से उत्पन्न हुई ऊर्जा का परिणाम है कि आज भी ब्रह्मांड हर पल हर सेकंड अपने आकार और फैलाव में बढ़ोतरी करते जा रहा है। बेशक ये थ्योरी फिजिक्स के कई बुनियादी नियमों को चुनौती देती है, मगर आज भी ब्रह्मांड की शुरुआत को लेकर यही परिकल्पना सबसे एक्सेप्टेबल है। अक्सर इस पर कई सवाल भी उठते रहते हैं, मगर आज तक इसके तिलिस्म को तोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं रही है। JWST के द्वारा हम इसी बिग बैंग की घटना के जस्ट बाद होने वाले बदलावों को देख पाएंगे, क्योंकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 13.4 बिलियन लाइट ईयर्स दूर तक अपनी दृष्टि लेकर जा सकता है। इसलिए बिग बैंग के 0.4 बिलियन ईयर्स बाद हुई सभी घटनाओं के हम भविष्य साक्षी बनेंगे। खैर, ये तो रही भविष्य की बात, मगर वर्तमान की रिपोर्ट क्या है और कब से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप काम करना शुरू करेगा, इन दोनों ही सवालों का जवाब एक दूसरे से काफी हद तक जुड़ा हुआ है। वास्तव में 8 जनवरी को अपनी मंजिल लैग्रांज पॉइंट पर सफलतापूर्वक पहुंचने के बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने प्राइमरी मिरर को अनफोल्ड करके अपनी आखिरी मेजर डिप्लॉयमेंट को अंजाम दे चुका है और अब वो जुट गया है अपने अलाइनमेंट प्रोसेस को पूरा करने में। दरअसल किसी भी स्पेस टेलीस्कोप या ऑब्जर्वेटरी के लिए ये बेहद ही क्रिटिकल स्टेप होता है। एक्चुअल में ये एक प्रैक्टिस राउंड होता है टेलीस्कोप में मौजूद ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स को ये लर्न कराने के लिए कि आखिर उन्हें किस ऑर्बिट में रहकर अगले 30-35 सालों तक सेम टास्क परफॉर्म करना है। और इसी कड़ी में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने भी ये प्रोसेस चालू कर दी है। L2 लैग्रांज पॉइंट पर पहुंच जाने के बाद ये दूसरा हफ्ता है जब नासा का ये टेलीस्कोप अलग अलग अलाइनमेंट्स को जारी रखे हुए है। इसी के साथ हाल फिलहाल में इस टेलीस्कोप ने दूर स्टारलाइट से आ रहे अपने कुछ शुरुआती फोटोज भी कैप्चर किए हैं। ये वो रोशनी के पहले कण हैं जो इस टेलीस्कोप के मिरर से टकराए। आखिर में दोस्तों, बात करें आपके सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल के बारे में, आखिर JWST की पहली इमेज क्या होगी और कब तक आप उस तस्वीर को देख पाएंगे? आपके इसी सवाल का जवाब देते हुए JWST ऑपरेशन साइंटिस्ट जेन रिग्बी बताते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की शुरुआती तस्वीरें बिल्कुल भी मामूली नहीं होने वाली हैं। ये तस्वीरें बेहद खास होंगी। इनमें धरती से कुछ हजार या लाख लाइट ईयर्स दूर मौजूद गैलेक्सीज का अब तक का सबसे साफ चित्रण होगा। इन तस्वीरों को देखकर एक पक्का वाओ मोमेंट तो क्रिएट होगा ही, मगर यहाँ फिर से एक सवाल खड़ा होता है, वो ये कि भला हम उन वाओ मोमेंट्स को कब तक देख पाएंगे। तो इस सवाल का जवाब देती है नासा गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर की प्रेस टीम, जो ये कहती है कि हमें इन तस्वीरों की बेहद तगड़ी प्रोसेसिंग करनी होगी। इन तस्वीरों को ऐतिहासिक बनाने के लिए उन्हें बेहद ग्रैंड लुक दिया जाएगा, जिसे देखने के लिए हमें कम से कम मई महीने तक का लंबा इंतजार करना होगा। मगर दोस्तों, इस बीच जो भी कोई अपडेट निकल कर आएगी
हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी JWST की पहली इमेज पर आपका क्या ख्याल है? आपकी राय में वो तस्वीर किस चीज की होगी? कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जरूर दें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें, ताकि एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस की वीडियोस आप पा सकें सबसे पहले। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।